हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया है और मैं उठ गई हूँ। टाइम हो गया है 8:30 और बाहर लग रही है सर्दी। बाहर नहीं जा रही हूँ मैं बिल्कुल भी। मम्मी और भाभी उठ गए हैं, ये भी शायद अभी उठे क्योंकि अभी भैंस तो है नहीं। पहले भैंस थी तो मम्मी 5:30 बजे उठती थी, अभी भैंस हमने अपनी बेच दी है तो मम्मी भी शायद अभी उठी है। 7 बजे उठी हूँ मैं। अच्छा, 7 बजे उठे हम तो देखे लग रहे हैं। यो के बार रखा था हमने कभी। हमारी मर्जी हम कुछ भी करे। ये देखो ना के कर रखा है। देख सुबह सुबह किस बारदाने में लाग रही है। अलमारी खाली कर दी ना, इधर भी खाली कर दी। यो बेड पे के फैला दिया। के कर रहे हुए माँ था हमें इस रूम का था कते था हमने सिस्टम खो दिया। हाँ बोल के कर दिया यो बना दिया सीट। अच्छा लस्सी बना दिया आपने। हाँ और यो काट दिया नूनी की। अच्छा नूडा के टोटा मुझे हूँ। अच्छा खुद ही निकाल दिया आपने। दो की तो दूध लेंगे तो एक कटोरा बन जाएगी काम। ये तो दो की बात था। मम्मी ने नूनी की भी निकाल दिया, लस्सी भी बना दी। सही हो गया फिर वहाँ थे घर की लस्सी, घर का नूनी की लस्सी और उड़ा 10-10 की 30-30 की लस्सी। ये दोनों सास बहू लग रही है पूरे जोर शोर से पैकिंग करने के लिए। सुबह सुबह 8:00 बजे है। अब आ गई सुबह वाली चाय तो मैं वो पीऊंगी, ठंडी भी होगी। मैं काम कर रही थी कुछ और इधर मम्मी सब कुछ काम फैला रखा है। गाइज मैं मम्मी और भाभी सुबह से काम लग रहे हैं और वो दोनों भाई सोने लग रहे हैं तो अभी देखो उनके साथ क्या करती हूँ। सुबह सुबह मैं सीधा चलते हैं अंदर, पहले दिखाती हूँ। देखो मम्मी के काम लग रही है, सामान सामान बांध है अपना और अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये छेटे छेटे ये शनि ये वीर ये राम फले ये उठ ले राम फले। हे बीरे उठ जा रे। ये चेटी चेटी ये सोने 10 बज गए सोने सोने 10 बज गए। दस बजे उठा था मैं। हे गाइस मैं उठ चुका हूँ। मैं उठाया नहीं, उठा नहीं उठाया गया हूँ। ये ढूंढ रहे हो ही मैं। आज मम्मी बनाएगी बाजरे की रोटी चूल्हे पे। और मम्मी क्या बनाओगे? बाजरे की रोटी रहता। हाँ और मिर्ची नूनी घी। दीदी कहाँ का किसा है? एक नंबर है। और ये बूटकर उठते मूंगफली खाना लगे। इधर बर्तन वगैरह का सब कर दिया। अरे इधर यो देखो ये राम मरा देख देख कर चक्कर आने लग गया है। यो कर दिया खाली। गाइस ये चूल्हे पे जल रही है आग ये देखो। और यो आटा जो है बाजरे का। मेरी प्लेट मेरी चटनी मेरी रायता मेरी लस्सी और मम्मी बनाएगी मम्मी हाथ की गर्मा गर्म रोटी और हमारी पुरानी साइकिल है। मम्मी ये मेरी रोटी उस पे चटनी रायता। पापा भी आ गए, निधि भी आ ली ना के मोहित खान लग रहा है। बाकी सी लग गई रोटी, मजा आ गया। रुपया गुण से निकल दिया। भाभी जा रही है आज अपने मायके। बाकी पूरा इसके व्लॉग में देखियो सब ठीक है। लकड़ लो भाई, अब लकड़ लो, लकड़ तो दिखा। पैकिंग कर ली, भाई भाभी चले गए थे उसके बाद दोबारा तक पैकिंग में लग गई थी छोटा मोटा सामान में। मोहित नु मिला मैंने भूख लग गई। रोमन ने कोई ना तरह ब्याह करांगे। कह दे मां ब्याह करांगे। प्याज काटे हैं
देखो को सुतरी सारी ए सारी जनी सुन लिया ये सुतरी जी ढूंढ दो को ए कती मेरे बेटे तो बढ़िया ही कमेंट करके बताओ हमने जल्दी ब्याह करना है सभी ने में जल्दी बताओ भाई रोटी खाने लग गए बोले मम्मी रोटी दे दे या सब्जी सुन ना बताइए मां किसी ने भी मारती बचरी है स्पेशल कर रखी थी घणी को जो सब्जी ये ऐसे खाते हैं मखाना देखो ऐसे करके आहा हाँ माँ के क्या बात बताई बता बोलिए रुक जाए एक में एक बात तो रहेगी इम्पोर्टेंट कह रही है वो तो रह गए थे चौदह राणा मिलक मेरा है डागर इनकी दादी का है गोत मिलाकर कमेंट करके छोरी बताओ सुतरी कुछ नहीं चाहिए ये गोत होने चाहिए नहीं होने चाहिए ये हमारे गोत सही है ना होने चाहिए इनके अलावा चल जाएगी डागर मिलक चौदह राणा अब जट्टा की छोरी अब जट्टा की छोरी हो सुतरी नु लंबी देखेगा हाँ, सारी क्वालिटी चाहिए मतने भी है मारा थोड़ा सुतरा नहीं है अब मोहित बना के लेके आया है चाय रोटी बड़ी खाली बाजरे की रोटी है भाई खा रही है रोटी बहुत खाती है भाई फिर कमेंट करोगे या सेब खा ली इतनी रहेगी थी फिर मैं पहले चाय पीऊंगी फिर सेब ना निमटाऊंगी तो सूट दे क्या दिक्कत है सोरी तो मैं तेन कहू सोरी तेरे के सीता बीस हो जाओ और फिर न्यू सोचू अके एक सुरू मारा भी वाणा उतर जा और अगले का भी उतर जा फिर हो जा तो मारा भी टेंशन खत्म हो जा अच्छा फिर छोरी हो जा एक छोरी एक छोरा मेरे जैसा हो जाता मां ना मेरे जैसा हो जाता तेरे जैसा भी हो जा एक नंबर का है एक नंबर का छोरा ना हां ए मम्मी केक बन लाग रहे हो अरे भाई यो आ रही इसमें डिमक लग गई थी थोड़ी दवाई मरवा यो की चढ़ रहा चश्मे ला शाम के बज गए छह और भाई भाभी तो आए नहीं तो ये पूरा मम्मी ने बेड वाला जो सामान था वो हटाया है और अब इसमें से कपड़े निकाल लेंगे बहुत काम और सुबह से ना मैं ना आई हूँ ना मम्मी ना आई है सबको पता है शिफ्टिंग में क्या हाल होता है गाइज मैं नहा के आ गई हूँ अभी जस्ट बाहर देखा और बहुत अंधेरा हो गया और मम्मी भाई पता नहीं कहाँ चले गए और सोनू भाई अभी लेके नहीं आया है भाभी को पता नहीं सारे कहाँ चले गए मेरे को यहाँ पे सिर्फ ताऊ जी दिख रहे हैं ये देखो अभी आए आप लोगों को फ़ोन में ना धुंध दिखाई नहीं दे रही अभी दिखाई दे रही है आ गए कित गए थे मैं ना उठती मैं लिखड़ी घरा कोई ना मैंने डर लग गया मैं तो बाहर आई सीधी अच्छा प्लाट था हमारा वो देख का है हम भूल रहे थे गांव में प्लाट है हमारा ये जब हम उसने मेरे याद ना थी मेरे भी याद ना थी वो तो बताया वाला था रे माड़े वो प्लाट है इसका देख देखभाल भी ना करते शाम का टाइम हो गया गाइस आज बनेगी मजेदार सी दाल जो कि मम्मी बना रही है तो ये सब्जी तो बढ़िया बना रहा है एक आलू और दाल जो की कल आलू की तो मैं तन्ना बनाई थी अरे वो आलू नहीं तो वो खाली आलू टमाटर वाली होती है गुड़मा हां शाम का टाइम हो गया भाई भाभी और भाई आने वाले हैं मम्मी स्पाइसी बनाना एक नंबर की बनाऊंगी भाई कमेंट ना करियो अगर पर रसोई में ये मैं अंदर अंदर नहीं पहन रहा हूं कोई फर्क ना पड़ता मम्मी इन बातों का मामला अलग अलग रिवाज हो जाए मम्मी वो दे रही है भाई जी कोई के मामा ना तो सुन रहा है रसोई की बेटा पर मेरा दिक्कत है एंटी ना टेक्टी मेरी देर चलो कोई ना पहन लो पहन हां गड्ढे में नहीं है करती मैं पहन ये आली है और भाई साहब है अंदर आ गया बस कुछ स्पेस ही है तो बहुत है फिर क्या चाहिए उम्मीद ना थी पर आज हम नहीं आ जाएंगे उम्मीद थी मैं आ जाएंगे मुझे तो 1% भी उम्मीद ना थी आ जाएंगे हैं उम्मीद थी तो ना हैं उम्मीद थी तो ना आज आ जाएंगे और क्या मेरे को
डिनर का टाइम हो गया, मम्मी ने बनाई टेस्टी सी दाल और सोनू भाई जा रहा है दो नंबर करण रोटियां भी टाइम बना बना लेना चाहिए निधि भाभी रोटी बनाने डाल बना ली ना बस भाई मम्मी री कुट्टी थी क्या बताऊ मिर्ची कम है ये वाली कम है ना मम्मी कितनी कुट्टी थी त्राग तो कुट्टी थी तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड आई नो आप लोगों को बहुत छोटे व्लॉग देखने को मिल रहे हैं पर काफ़ी टाइम से हम लोग खुद के काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जा रहे हैं कि शूट करने का टाइम थोड़ा कम मिल रहा है पर फिर भी जितना टाइम मिल रहा है हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही मिलेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वाले व्लॉग में हम लोग पहुँच चुके होंगे गुड़गांव और नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाय बाय। गाँव छोड़ दिया भाई।